नमस्कार, करेंसी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 16 जुलाई। कल के सेशन में करेंसी में हमने एक अच्छा मूव बनते हुए देखा। सबसे पहले यूएसडीआरएन की बात करें तो दिन के सेशन में हमने देखा कि करीबन 75-40-45 के आसपास मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। उम्मीद थी कि 75-50-55 तक दिखाने के बाद गिरावट आए, बट एकाएक हमने देखा 75-40 का लेवल तोड़ने पे सीधा प्राइस 75-20 पे जाता हुआ दिखाई दिया। कल हमने प्राइस सेलिंग देखा, जिस ढंग से हमने देखा इंटरनेशनल में डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट थी उसका सीधा सीधा असर हम यूएसडीआर पे पड़ते हुए देखे। डोमेस्टिक मार्केट में इक्विटी मार्केट में कल थोड़ा बहुत गिरावट थी, बट ओवरऑल इक्विटी मार्केट थोड़ा स्ट्रेंथनिंग दिखा रहा है, क्योंकि 10,500 के नीचे निफ्टी बिल्कुल जा नहीं पा रही है, जिसका भी 1 रुपए पे मजबूती मिलती हुई दिखाई दी। वहीं हीरो की बात करें तो फ्रेश बाइंग के चलते हमने हीरो को 86 के ऊपर जाते हुए जरूर देखा है, बट सस्टेनेबल थोड़ा डाइजी है। आज हम इसमें ओपनिंग थोड़ा वीक देख सकते हैं, जो 85-85 के करीब होनी चाहिए। वहीं अगर हम डेटा पॉइंट की बात करें तो आज ईसीबी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है, इन्फ्लेशन डेटा है, और साथ में कोविड के जो कंसर्न्स बने हुए हैं वो काफी इम्पैक्ट कर रहा है, तो अपसाइड थोड़ा सा सस्टेनेबल नहीं दिखाई दे रहा है। यूरो में आज प्रेशर रह सकता है। डाउन साइड सपोर्ट जो रहेगा 85-85 से लेकर 85-60 तक के भी लेवल हम नीचे में देख पाएंगे। वहीं जीबीपी आईएनआर की बात करें तो कल हमने देखा कि डॉलर की गिरावट के चलते भी प्राइजेस में सपोर्ट था, साथ में जो हेफ्टी फिस्कल स्टिमुलस अनाउंस किया गया है उसके चलते भी पाउंड में हमने थोड़ा बहुत बाउंस आते हुए देखा। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1.26 के ऊपर प्राइजेस सस्टेन कर पाएगा क्या, तो आज की ओपनिंग जो होगी वो वीक होगी, क्योंकि 95 के ऊपर सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो आज जीबीपी आईएनआर को बेच के चलिए, जो डाउन साइड में करीबन 94.50 तक के भी लेवल देखने मिल जाएंगे। वहीं येन की अगर बात करें तो येन में कल हमने गेन देखा, जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में गिरावट थी और इन्फ्लेशन जिस ढंग से पिकअप कर रही है, ये कहीं ना कहीं येन को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रही है। टेक्निकली भी देखिए 70 के ऊपर काउंटर काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, तो आज फ्लैटिस ओपनिंग ही होगी, बट 70-20 तक का लेवल मिले तो लेके चलना है, जो 70-50 से लेकर 70-60 तक का लेवल दिखा देगा। डेटा पॉइंट की बात करें तो आज चाइना से जीडीपी क्वार्टर ऑन क्वार्टर के डेटा आए थे, साथ में फिक्स असेट इन्वेस्टमेंट का डेटा आया था, ये काफी अच्छे और पॉजिटिव आए हैं। ओवरऑल प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी भी चल रही है, उसके आउटकम जो आएंगे वो ऑलमोस्ट 20% को सपोर्ट कर सकते हैं, डॉलर में दबाव रख सकते हैं। वहीं पाउंड से भी हम देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है, यहाँ पे बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। साथ में ईरो की अगर बात करें तो ट्रेड बैलेंस का डेटा है, ये काफी इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी आज की मॉनिटरी पॉलिसी का स्टेटमेंट, ईसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वहीं यूएस से बात करें तो नेचुरल गैस की इन्वेंट्री यानी अनएम्प्लॉयमेंट का क्लेम है, जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम में ड्रॉप है, जो कहीं ना कहीं डॉलर को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। साथ में मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में भी ड्रॉप दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है दिन के सेशन में यूएसडीआरएन में गिरावट रहेगी, जो 90 तक का लेवल मतलब 75-75-10 तक फ्यूचर्स में हम देख पाएंगे। वहीं डॉलर इंडेक्स में गिरावट दिखाई दे रही है, अगर 96 का लेवल तोड़ देता है तो हम 95-56 तक डॉलर इंडेक्स में जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक हम नए से नए वीडियो ला सके। धन्यवाद।